नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ सुंदर से ये डहेलिया फ्लावर के साथ। तो मेरे गार्डन में विंटर में तो डहेलिया नहीं चले, लेकिन एक प्लांट बस चला मेरा। और देखिए ये मिनी डहेलिया है सिंगल पेटल का, और कलर काफ़ी खूबसूरत है और बहुत सारा कली भी आ रही है, फूल भी बहुत बढ़िया खिला है। तो जैसा कि ये मार्च मंथ का लास्ट संडे है, तो हम सोचे क्यों ना हम भी अपना ओवरव्यू दे दें गार्डन का। और ये मेरे गार्डन में देखिए ये हाइब्रिड वाले हिबिस्कस खिले हैं, और ये रेड कलर का है। दिन में बहुत तेज धूप होने के कारण रंग एकदम उड़ गया है, और ढेरों कलियाँ आ रही हैं इसमें, और फूल भी खिलने वाले हैं, और बहुत अच्छे फूल खिलते रहते हैं इक्के दुक्के रोज़। और ये देसी वाला भी मेरा खिला है, और देखिए कली भी आ रही है। और फ्रेंड अब जैसा कि अब तेज़ धूप हो रहा है, तो अब हमारे जो विंटर के प्लांट हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उन्हें भी दिखा देती हूँ कि कैसे चल रहे हैं। और इधर देखिए ये मेरा अफ्रीकन डेजी के फ्लावर एकदम सूख गए हैं, इन्हें कट करना है। और ये मेरे इधर डॉग फ्लावर बहुत बढ़िया चल रहे हैं फ्रेंड। और ये देखिए मेरी पिटूनिया में तो भर के फ्लावरिंग हो रही है, और इधर ओलियंडर में भी फूल खिलने शुरू हो गए हैं देखिए। और मेरे मैरीगोल्ड भी अच्छे चल रहे हैं, ये विंटर के ही हैं, अब ख़राब हो रहे हैं। और इनमें कुछ प्लांट उगे हैं देखिए, तो इन्हें मैं लगा दूँगी। और बर्बीना में बहुत अच्छे चल रहे हैं, जब इसमें स्पेंट फ्लावर हुए थे तो मैंने कट कर दी हूँ, तो जो भी स्पेंट फ्लावर हो इस तरह से आप कट कर देंगे तो बहुत अच्छे फूल खिलते रहेंगे। और ये देखिए अम्ब्रेलस लिली में भी कली आ गई है, और इधर मेरे डेंथस बहुत बढ़िया चल गए हैं। और ये देसी बर्बीना है, पानी डालना है अभी, दिन में बहुत तेज़ धूप थी। और इधर देखिए ये मेरा रोज़ ऑरेंज कलर का, और ये मेरा जुमेलिया है, ढेरों कलियाँ आ रही हैं और खिल रही हैं। इधर मेरे गुलाब बड़े अच्छे चल रहे हैं, और ये मेरे जिरेनियम, जो भी इनके स्पेंट स्टॉक होते हैं वो आप हटाते रहिए तो फ्लावरिंग में कंटिन्यू आती रहती है, और ये बहुत अच्छा प्लांट है। और इधर मेरे ये सनफ्लावर भी और बोगनविलिया में भी अच्छे फूल चल रहे हैं। और ये कटिंग से जो मैं डेंथस लगाई थी, तो देखिए मैरून कलर का है, कितना फूल खिल रहा है। और इधर देखिए गजानिया में भी ये फूल खिल रहे हैं, और इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, आयरन की कमी है, तो इस तरह से मैं ये लोहे की रोड लगा रखी हूँ। और ओनियन पिल्स का फर्टिलाइज़र दी हूँ इसमें मैं। और इधर ये देखिए भर के फूल आ रहे हैं मेरे गजानिया में भी। और इधर ये मेरे देसी रोज़ चल रहा है, ये मदर प्लांट है, इससे मैंने कई सारे प्लांट तैयार करी हूँ। और अजालिया में भी फूल खिल रहे हैं, कलियाँ बन रही है, और ये बहुत स्लो ओपनिंग करते हैं लेकिन बहुत सुंदर फ्लावर है। ये मेरा जुमेलिया है, कलर थोड़ा अलग सा आ रहा है अब क्योंकि टेम्परेचर हाई होता जा रहा धीरे धीरे। और ये मेरा देसी रोज़ है पिंक कलर का, बहुत हाई फ्रेग्रेंस है फ्रेंड इसमें। और ये कोलियस जो लगाई थी मैं, देखिए अभी मुझे इसकी कटिंग तैयार कर रखी हूँ, रिपोर्ट करनी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बिगुनिया में देखिए कितने भर के फूल खिल रहे हैं देखिए फ्रेंड। और इधर मेरे रोजेस हैं जो धीरे धीरे थोड़े बहुत खिल रहे हैं, आंधी में तो बहुत ख़राब भी हो गए थे। और ये मेरा नया रोज़ है, तो ये इस कलर का निकला है, और इस वाले प्लांट से थोड़ा सा इसका अलग कलर है, और इसमें ज़्यादा पेटल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है फिर भी। और ये देखिए येलो रोज़ पूरा वाइट हो गया है, और देसी रोज़ तो मेरा भर के फूल खिल रहा है फ्रेंड, देखिए बहुत अच्छे फूल खिल रहा है ये। और इधर मेरा ये हाइब्रिड वाला है, अब इन्हें भी कट करना है, इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है आंधी तूफान से। बटन रोज़ में देखिए कलियाँ बन रही हैं और फूल खिलने वाला है अब मेरा, आंधी में इनकी भी कंडीशन ख़राब हो गई है देखिए, सभी कैसे मुरझा गए हैं, लेकिन इन्हें कट कर दूंगी तो नए नए ब्रांचेस आएंगी तो फूल भी अच्छे आएंगे। और इधर देखिए ये मेरा कटिंग से रेडी, ये मेरा क्वीन एलिजाबेथ, और कितना सुंदर लगता है ये, बहुत ही सुंदर फ्लावर है और बहुत खूबसूरत है, इजी टू ग्रो है, बिगनर के लिए तो बहुत अच्छा है, ज़रूर लगाइए ये वैरायटी। और इधर देखिए मेरा देसी पिंक रोज़, ये एक ही दिन स्टे करता है देखिए, स्पेंट फ्लावर मुझे हटाना है। और ये मेरा समर स्नो है, और इधर मेरा ये देसी वाला है, ढेरों कलियाँ आ रही हैं, गुच्छों में फूल खिल रहे हैं इसमें भी।
और यहाँ तो देखने लायक नज़ारा है। इस समय मेरे गार्डन में गुलाब की बहार आ रखी है और बहुत अच्छे फूल खिल रहे हैं फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग। ये समर स्नो बहुत अच्छा होता है, ये आप ज़रूर लगाइए। मुझे पता नहीं था कि ये समर स्नो है, हम तो इसे देसी रोज़ समझ के लगाए थे, पर ये बहुत अच्छा चला और बहुत जल्दी कटिंग से तैयार हो जाता है ये। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। और इस महीने का ये लास्ट संडे ओवरव्यू है और इसके बाद देखते हैं कि जो भी विंटर के फ्लावर बचते हैं या नहीं बचते हैं, क्योंकि धूप अब तेज़ होती जा रही है दिन ब दिन। तो आज की वीडियो बस यहीं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब